जी सर, जरा अपना परिचय दीजिए। जी मैं डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, जी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिरुइया बलिया। ये अपना जो है विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है चिरुइया, जहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जी। और ये चिकित्सालय बहुत अच्छा है और यहाँ पे ज़्यादातर जो रोगी हमारे पास आते हैं वो स्किन डिजीजेस के, और हम लोगों ने यहाँ अभी एक मुहिम चलाई है कि जैसे लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर है, मधुमेह हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और इससे संबंधित उनको खान पान, योग, हमारे यहाँ योग के भी दो जो है प्रशिक्षक रखे गए हैं जी, और वो योग सिखाते हैं, उनको खान पान के विषय में बताया जाता है जी। और साथ ही साथ जो रोगी हैं, जो हमारे पास औषधियाँ उपलब्ध हैं, उनको औषधियाँ भी दी जाती हैं जी। और चूंकि अस्पताल आप देख सकते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है और बहुत साफ सुथरा है, और अभी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम से ये जो है यहाँ SWC के अंतर्गत कार्य चल रहा है, तो अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को। ये सर जो है, ये जो नाला है, बहुत जो बड़ा पुल बन रहा है जी जी, ये तो आपको आने जाने में तो काफी दिक्कत हो रही होगी। बहुत 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 समस्या होती है जी, बहुत ज्यादा समस्या होती है। बाढ़ जब की स्थिति रहती है तो हम लोगों को गाड़ी खड़ी करके जो है नाव से आना जाना पड़ता है जी जी। और अस्पताल चूंकि सड़क से नीचे है तो यहाँ अस्पताल में भी पानी भर जाता है। अस्पताल के अंदर तो पानी नहीं आता है जी, मगर ऐसी समस्या रहती है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और सड़क तो सर, तो ये फेफड़ा विधानसभा है ना जी सर, इसमें तो जो है ये पुल का कार्यक्रम तो 2 साल से लगा है, क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ गया है कि जनता कुछ बोलती नहीं है? इसके विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। और यहाँ के ग्राम प्रधान से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ये सब बात रखेंगे जी, लिहाजा अस्पताल में चिकित्सा की दृष्टि से कोई यहाँ कार्य बाधित नहीं है, सारे कर्मचारी उपस्थित रहते हैं जी। यहाँ हम लोग समय समय पर कैंप भी लगाते हैं जी, और जैसी आवश्यकता होती है औषधियों का। हमको बहुत खुशी है सर कि इस छोटा सा गांव में आप इतना हॉस्पिटल को इतना मेंटेन करके हैं, इतने समय से ड्यूटी आते हैं जी, ये हम देखकर बहुत प्रभावित है। नहीं नहीं, देखिए हम आप सभी के सहयोग से और चिरुइया के लोगों के सहयोग से, मैं सभी लोगों को पहले तो धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो लोग भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं जी जी। और हमारा पहला कर्तव्य है कि हम एक पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता की सेवा हो।